कॉलेज असातिज़ा का चेयरिंग क्रॉस पर 7 रोज से जारी धरना मौखर। कौम के मामारों से मुज़ाकरात के लिए सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन चेयरिंग क्रॉस पहुंचे। यासिर हुमायूं के असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा के जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। असातिज़ा के मुतालबात की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की जाएगी। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मीडिया से गुफ्तगू। जबकि सदर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का कहना था कि मुतालबात वक्त पर पूरे ना हुए तो फिर एहतजाज की कॉल देंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पैफ ने पार्टनर स्कूलों को शो कॉज जारी कर दिए। डीएमडी पर करप्शन के इल्जाम। 7 दिनों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। जवाब जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का गुज्जरपुरा में छापा। मुकाबले के बाद दहशतगर्द शहजाद फरार। घर से खुदकुश जैकेट और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द के दो भाई अमजद फिरदौस और शाहिद गिरफ्तार। अमजद फिरदौस थाना लोअर मॉल में फ्रंट डेस्क पर मुलाजिम है। मुलजिमान के दाइश के साथ राबतों का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी टीम गैर मुल्की परवाजी के 6-2-2 के जरिए दुबई से लाहौर पहुंची। कौमी क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, इमामुल हक, काबिद अली, कौमी टीम के कोच मिकी आर्थर और दीगर ऑफिशियल वतन वापस पहुंचे। आवाम को पानी में डबोने का मंसूबा। वासा का पानी के बिलों में 97% इजाफे का फैसला। वासा ने 6 साल बिजनेस मंसूबा तैयार कर लिया। पहले साल 47, दूसरे और तीसरे साल 25% इजाफा होगा। तब्दीली सरकार, महंगाई बेशुमार। गरीब आवाम पर महंगाई के 2 बम गिरा दिए। पेट्रोल और डीजल महंगा, गैस की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी 3.5 रुपये फी किलो महंगी। 1 किलो एलपीजी 133.50 रुपये फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 41 रुपये के इजाफे से 1,564 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 6,061 रुपये में मिलेगा। ओग्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमदनी तो मेरी अभी तक वहीं की वहीं है, जो लिटरली सी बात है। और रहा सवाल महंगाई का, तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सैलरी वहीं की वहीं है। अब मैं मार्केटिंग करती हूँ, पहले फिर भी 100 रुपये में गुजारा जाता, अब 100 रुपये लीटर है। मुझे डेली का 200 रुपये का पेट्रोल अब डालना पड़ेगा, पहले मेरा 100 रुपये में पूरा हो जाता था। ये ज्यादा कर रहे हैं आवाम से वोट ले के, और उनको अभी सलाह दे रहे हैं वोटों की कि ये वोट तुमने दिए हैं तो उनको सलाह देंगे। महंगाई जितना बढ़ती है बढ़ती जाए, सुबह उठें कम से कम ये तो मैसेज मिले ना कि तनख्वाह भी बढ़ गई है आपकी, वो बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुश्किल में है सब लोग। पेट्रोल बम गिरने पर आवाम फट पड़े। तब्दीली सरकार ने महंगाई के सुनामी में डबो दिया। शहरी हुकूमत से नाला। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये के इजाफे से 98.83 रुपये फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपये महंगा, कीमत 117.43 रुपये फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। रुपया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर 1.30 रुपये महंगा, 142.20 रुपये का हो गया। सोने की कीमत 71,000 रुपये तोला हो गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नामंजूर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन सड़कों पर। बाबू साबू चौक से यतीम खाना तक एहतजाजी रैली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रैली से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हुकूमत को बहुत टाइम दे दिया, अब बस अपोजिशन का सब्र खत्म। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरक बैठक। खुर्शीद शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली मिलकर तैयार करने और मुल्क की मजमू सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
हमने ना किसी से NRO मांगा है ना मांगेंगे, हुक्मरानों को खुद NRO की ज़रूरत पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगु। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। राना सनाउल्ला ने कहा हम हुकूमत को 5 साल देने को तैयार हैं, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। शेख रशीद रोज़ाना घटिया गुफ्तगु करते हैं। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक बोले महंगाई का तूफान है और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। असद उमर ट्वीट्स में पेट्रोल 50 रुपये लीटर करने की बातें करते थे। सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ के दो बड़ों के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने तरीन को आड़े हाथों ले लिया। तरीन के सरकारी और पार्टी इजलासों में बैठने पर तनकीद। तरीन साहब ऐसा काम न करें कि मरियम औरंगजेब उंगलियां उठाए बैकडोर पर रहकर तजावीज़ दें। जहांगीर तरीन का मीडिया के सामने शाह महमूद कुरैशी को दो टोक जवाब। जहाँ जाता हूँ इमरान खान की मर्जी से जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ, किसी और को लीडर नहीं मानता। सूबाई वज़ीर ज़राअत जहांगीर तरीन की हिमायत में मैदान में आ गए। जहांगीर तरीन से सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल की मुलाकात। मलिक नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन से मुतालक बयान नामुनासिब है। ज़रई शोबे में जहांगीर तरीन से रहनुमाई हमारे लिए बड़ा एजाज है। पहले ना अब हाँ, पंजाब हुकूमत का एक और यूटर्न। PTI ने वुजरा के सामने घुटने टेक दिए। वुजरा के सवाबदीदी फंड्स खत्म ना किए जा सके। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का ऐलान किया था। नई नवेली ट्रेन को नजर लग गई। जिना एक्सप्रेस पहले रस सफर में ही जवाब दे गई। ट्रेन के रैक में टेक्निकल खराबी, बोगियों में लगी बर्थें भी बेकार। ट्रेन चलते ही खसारा भी शुरू। जिना एक्सप्रेस की 76% बोगियां खाली, सिर्फ 24% मुसाफिरों को लाहौर से लेकर कराची चली गई। पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरक ऑपरेशन। जाली खुफिया एजेंसी के 4 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान से पुलिस, हसास इदारों और मीडिया के जाली विजिटिंग कार्ड बरामद। SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फिरोज की। पुलिस लाइंस काला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिमान जाली एजेंसी में भर्ती का झांसा देकर लोगों को लूटते थे। SSP ऑपरेशन। आमदन से जायद असासजाद नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। SSP जुनेद अरशद गिरफ्तार। जुनेद अरशद ने दौरान मुलाजमत अपने इख्तियारात और ओहदे के नाजायज इस्तेमाल से करोड़ों रुपए के असासे बनाए। नैब मुलजिम के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की गैर मामूली ट्रांजैक्शंस पाई गईं। कस्टम हुकाम की बादामी बाग के इलाके पीको रोड पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा टायर बरामद। सामान ईरान, तुर्की और भारत से लाया गया था। पुलिस शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म। नामाकोट पुलिस ने कार्रवाई करके अब्बास नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के नाम पर मुबैना करप्शन। यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज पर शहरियों से लाखों रुपए लेने का इंकशाफ। पैसे ना देने वाले शहरियों को तंग किया जाने लगा। रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों सर्टिफिकेट इल्तवा का शिकार। महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान ने मलबा बल्दियाती नुमाइंदों पर डाल दिया। टाउन के इलाके मादरे मिल्लत रोड पर सड़क में शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इंतजामिया का कोई अहलकार गड़े को भरने के लिए ना आया।